Hello students, in this video we are going to discuss chapter number 9, tenses. As I had already explained the topic tenses, so we will just have a quick revision of these topics. What are simple present tense? Students, you all know that simple present tense वो tense होते हैं जो हम generally जो habituals जो हमारे हैबिट्स होते हैं या वो काम जो हम रेगुलर करते रहते हैं, जैसे कि यू कैन सी ऑन द बुक इवन कि पहला रूल क्या लिखा है फॉर हैबिचुअल और रिपीटेड एक्शंस, मतलब ऐसे काम जो हमारी आदत हो करने की या हम उनको बार बार करते रहते हों, जैसे आपका सुबह उठ के नहाना, सुबह उठ के एक्सरसाइज करना, या आपको कोई चीज़ पसंद है, आपकी कोई चीज़ फेवरेट चीज़ है, या आप कहीं रोज़ घूमने जाते हो, या आपको हमेशा वेकेशन पे कहीं जाना पसंद है, तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें हमारी आती हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में. जैसे लिखा है ही यूजुअली रीड्स टिल मिडनाइट, मतलब वो उसकी आदत है कि वो मिडनाइट तक के पढ़ता है, राइट. रूल नंबर 2 देखिए, फॉर जनरल और इटर्नल ट्रूथ, मतलब ऐसी चीज़ों के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, मतलब जो बदल नहीं सकते हैं, वो फैक्ट्स हैं, वो ट्रुथ हैं. जैसे सूरज का निकलना, तारों का चमकना, हवा का चलना, ये सब क्या है? ये सब फैक्ट्स हैं जिनको बदला नहीं जा सकता, राइट स्टूडेंट्स. तो ये क्या है? ये होते हैं हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट. जैसे लिखा है ऑयल फ्लोट एंड वाटर, तो ये क्या है? ये ऑयल की एक प्रॉपर्टी है कि वो वाटर पे फ्लो करता है और उस प्रॉपर्टी को हम चेंज नहीं कर सकते. फिर देखिए तीसरा पॉइंट क्या लिखा है, फॉर थिंग्स दैट स्टेज द सेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब ऐसी चीज़ें जो सालों तक के, बहुत टाइम तक के, एक लंबे अरसे तक के सेम रहें. दे लिव इन चेन्नई, नहीं वो चेन्नई में रहते हैं. आप जैसे अपने घर में रहते हो, मतलब जिस भी एरिया में रहते हो, तो वो क्या है? वो एक सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया. आप जब बताते हो आई लिव इन दिस प्लेस, आई लिव इन फैज़ाबाद, आई लिव इन अलीगढ़, तो ये जो आप सेंटेंस बोल रहे हो, ये सेंटेंस क्या है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट. फिर देखिए फोर्थ पॉइंट देखिए, टू टेल अ स्टोरी इन अ ड्रामेटिक वे, मतलब जब आप कोई कहानी बता रहे हो एक ड्रामा के वेज में, तो आप उस कहानी को कैसे बताते हैं? आप उस कहानी को बताते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में, राइट स्टूडेंट्स. तो आई थिंक सिंपल प्रेजेंट टेंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको देखनी है और अच्छे से समझनी है. देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं आई यू वी ते, और इसके साथ इन्होंने क्या लगाया है? हेल्प लगाया है. अब सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये मेन रूल है जो आपको ध्यान रखना है. हेल्प क्या है स्टूडेंट्स? हेल्प एक वर्ब है. अब आप देखिए आई यू वी दे के साथ हेल्प लगाया है, ही शी इट के साथ क्या लगाया है? हेल्प्स लगाया है. एस का डिफरेंस है. अब इसमें एस का डिफरेंस क्यों है? क्योंकि ये जो आई यू वी है ये क्या होते हैं? ये प्लूरल होते हैं, राइट. ये प्लूरल होते हैं, और ही शी इट क्या होते हैं? ये होते हैं आपके सिंगुलर. तो हम सिंगुलर के साथ क्या करते हैं? हम आप बस इतना याद रखिए कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा? प्लूरल होगा, मतलब आई यू वी लिखा होगा, दे लिखा होगा, तो वहाँ पे आप जो वर्ब लगाओगे वो वर्ब की फॉर्म क्या होगी? वो सिंगुलर होगी. और अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे ही शी इट राम, राम अनुराधा रामा, इस तरह के किसी का नाम है जो कि सिंगल पर्सन को डोनेट करता है, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? वहाँ पे आप रूट फॉर्म, जो वर्ब की रूट फॉर्म होगी उसके साथ एस या ई एस लगा देंगे, राइट. अभी आपको ये समझना है. अब देखिए डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? डोंट. और डज नॉट का होता है डू नॉट, डजेंट, राइट. अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए कि जब इन्होंने यू हेल्प लिखा, यू हेल्प लिखा और उसको निगेटिव में चेंज किया, तो लिखा यू डू नॉट हेल्प, राइट. तो क्या हमने हेल्प जो था हमारा, जब हम निगेटिव में चेंज करते हैं तो वर्ब जो होता है हमारा वो चेंज नहीं होता है, चाहे वो निगेटिव में कर रहे हो या क्वेश्चन में कर रहे हो. वर्ब की फॉर्म सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही चेंज होगी. ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 के तरफ. अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. देखिए पहली एक्सरसाइज हमारी है कि ये पॉजिटिव में लिखे हैं, ये जस्ट वेट अ सेकेंड,
ये पॉजिटिव है, इन यहाँ नेगेटिव में लिखना है, यहाँ क्वेश्चंस में करना है। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब वॉन्ट। मतलब कौन सा वर्ब यूज़ करना है, वॉन्ट यूज़ करना है, और उसके बाद नेगेटिव और क्वेश्चंस में भी बनाना है। तो ही के साथ क्या लगेगा, ही के साथ लगेगा ही वॉन्ट्स, लिखते चलिए ही वॉन्ट्स इट, राइट, ही वॉन्ट्स इट पहला हो गया। अब इसका जब निगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ही के साथ लगेगा डज नॉट, क्योंकि ही क्या है, सिंगुलर, और इसके साथ हम लगाएंगे डज नॉट, ही डज नॉट वॉन्ट इट। अब यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ही डज नॉट वॉन्ट इट। फिर इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, डज ही वॉन्ट इट क्वेश्चन मार्क, राइट। सेकेंड में मूव करते हैं, यू वॉन्ट इट, एस नहीं लगेगा, निगेटिव क्या हो जाएगा, यू डू नॉट वॉन्ट इट, राइट, यू डू नॉट वॉन्ट इट। देन इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डज यू वॉन्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, देन थर्ड पार्ट देखिए, शी वॉन्ट्स इट, यहाँ पे हम एस लगाएंगे, शी वॉन्ट्स इट। निगेटिव पे आ जाइए, She does not want it, right? She does not want it. Question पे आ जाइए, Does she want it? Does she want it? All right, students. Now the last part of this exercise, they want it. They want it. S नहीं लगेगा, negative में आ जाइए. They do not want it. यहाँ पे भी एस नहीं लगेगा, क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि निगेटिव और क्वेश्चन में एस कहीं नहीं लगता। क्वेश्चन में आ जाइए, डज दे वॉन्ट इट। ऑल राइट, उम्मीद है कि आप सबने इस एक्सरसाइज को अपनी बुक में कंप्लीट कर लिया होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज नंबर 2, ब्लो आर द 6 जनरल ट्रुथ, कंप्लीट द सेंटेंसेज विद द सिंपल प्रेजेंट ऑफ द सुटेबल वर्ब, राइट, द अर्थ डैश राउंड द सन। तो क्या हो जाएगा, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, राइट, नोट इट डाउन, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन। द स्टार शाइन, क्योंकि बहुत सारे स्टार हैं तो एस नहीं लगेगा, द स्टार शाइन, ऑल राइट, द स्टार शाइन एट नाइट। वाटर बॉइल्स, वाटर boils at 100 degree centigrade, all right, water boils at 100 degree centigrade. Frogs live, agar frog hota to lives hota, lekin agar ek frog hota to hum lives likhte, ab bahut sare frog hain to hum live likhenge, right, frog live both on land and in water. Rain falls from the cloud, rain falls from the clouds. Cows eat grass, cows eat grass, all right. So I hope exercise B भी आपने complete कर ली होगी। अब हम move करते हैं exercise 3 के तरफ, right? इसमें आपको क्या करना है, राइट 3 सेंटेंसेस सेइंग हाउ यू स्पेंड योर लेजर टाइम ऑन संडे, यूज़ द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म, यू मे यूज़ यूजुअली ऑफन समटाइम्स, राइट। नाउ हियर व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट अ स्मॉल पैराग्राफ ऑन हाउ यू स्पेंड योर टाइम ऑन संडे, आप संडे को अपना टाइम कैसे गुजारते हो, अपना फ्री टाइम जो है आप उसको कैसे स्पेंड करते हो, क्या एक्टिविटीज़ करते हो, मीन्स आप ऐसी एक्टिविटी लिखोगे जो आप हर संडे करना पसंद करते हो, तभी तो वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म में आएंगी ना स्टूडेंट्स। मतलब मानिए आप जो हर संडे को आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, या हर संडे को आप साइकिलिंग करते हैं, कोई भी चीज़, या आप कोई कॉमिक बुक पढ़ना पसंद करते हैं, जो भी आपकी हैबिट है, जो आप संडे को घूमना पसंद करते हैं, वो आपको यहाँ पे 3 लाइंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करके लिखना है। ऑल राइट, ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। सो स्टूडेंट्स, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस आप सबको पता है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस वो टेंस हैं जो हो रहे हैं, जैसे मैम आपको पढ़ा रही है, राइट, तो मैम का पढ़ाना क्या हो गया, मैम का पढ़ाना हो गया प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस, बिकॉज आई एम टीचिंग यू, राइट।
माई सिस्टर इज़ कुकिंग, मेरी बहन क्या कर रही है, खाना बना रही है, तो वो काम अभी हो रहा है। ये सबसे इजी टेंस होते हैं, बहुत आसानी से समझ में आते हैं। जो काम हो रहा है आपके सामने वो क्या है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, राइट। अब आप देखिए इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट रेनिंग, लुक बारिश नहीं हो रही है, तो ये भी क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म है। वाई आर यू सिटिंग ऑन माई साइकिल, तुम मेरी साइकिल पे क्यों बैठे हो। वी कैन यूज़ दिस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग अबाउट दिस टाइम बट नॉट एक्चुअली एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। लाइक ये ऐसे भी हो सकता है, इंडिया हम उन के लिए भी यूज़ करते हैं जो मतलब आप देख ना रहे हो लेकिन वो एक्चुअली हो रहा है काम। जैसे मिस्टर रॉबर्ट इज़ राइटिंग अ नॉवल, अब क्या है, अब जैसे नॉवल वो लिख रहे हैं, अब जैसे कोई कोई किताब लिखता है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना, अगर आपने कहा कि मिस्टर रॉबर्ट नॉवल लिख रहे हैं तो वो उसी वक्त बैठे लिख रहे हैं, नहीं, वो नॉवल लिख रहे हैं मतलब वो काम एक प्रोसेस में चल रहा है। डू नॉट टेक दैट बुक, माय ब्रदर इज़ रीडिंग इट। अब जैसे क्या होता है कि आप वो बुक ना लो, कि वो बुक कौन पढ़ रहा है, मेरा भाई वो बुक पढ़ रहा है, राइट। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज इन द कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए ये जो वर्ब्स हैं ये कॉन्टिन्यूस टेंस में नहीं यूज़ किए जाते हैं। वर्ब्स ऑफ सेंसेस, सीइंग, सी, हेयर, स्मेल, टेस्ट, नोटिस, राइट। वर्ब ऑफ थिंकिंग, थिंक, सपोज, बिलीव, नो, अंडरस्टैंड, ये सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको आप रीड आउट करिएगा। अब नीचे आ जाइए, सच वर्ब्स आर नॉर्मली यूज इन द सिंपल प्रेजेंट, राइट। अब देखिए रॉन्ग और राइट यहाँ पे दिया हुआ है। द एप्पल इज टेस्टिंग सोर, क्या ये सेंटेंस सही है, नहीं। ये आप जैसे एप्पल खा तो रहे हो लेकिन आप ये नहीं बोलोगे कि इसका इज़ नॉट टेस्टिंग, इट्स नॉट प्रॉपर टेस्टिंग, ये वर्ड हम नहीं यूज़ करते क्योंकि हमने अभी ऊपर यही पढ़ा है कि ये वर्ड कंटिन्यूस में नहीं यूज़ किए जाते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। द एप्पल टेस्ट सोर, मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, ये स्टेटमेंट सही होगा। आई एम लाइकिंग द फिल्म, नो, आई लाइक द फिल्म, मुझे फिल्म अच्छी लग रही है या मुझे फिल्म अच्छी लगी। ही इज़ अग्रीइंग विद मी, ही अग्रीज विद मी, ये सब सेंटेंसेस क्या है, गलत है। ही इज़ हैविंग अ कार, ही हैज़ अ कार, ही इज़ हैविंग अ कार, भी ये स्टेटमेंट गलत है। द बैग इज़ वेइंग 40 किलोज, नो, द बैग वेज 40 किलोज। ऑल राइट स्टूडेंट्स, आई होप दिस इज़ क्लियर। ये कुछ वर्ड्स हैं जैसे वर्ब्स ऑफ पसेसिंग, हैव, पसेस, ओन, और ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करी जाती हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। अब हम एक्सरसाइज 4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द बॉक्स। शी डैश टू म्यूज़िक, शी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, क्या हो जाएगा यहाँ पे, शी इज़ लिसनिंग टू म्यूज़िक, राइट। सेकेंड पे मूव करेंगे, प्लीज़ बी क्वाइट, द बेबी इज़ स्लीपिंग, द बेबी इज़ स्लीपिंग, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग फुटबॉल। अब देखिए चिल्ड्रेन है क्योंकि प्लूरल है तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब आर लगाया। ऑन द फोन, मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग, राइट। ऑन द फोन, मे आई नो हु इज़ स्पीकिंग। द बर्ड इज़ फ्लाइंग, द बर्ड्स आर, सॉरी, क्योंकि बर्ड्स लिखा हुआ है तो आर लगेगा। द बर्ड्स आर फ्लाइंग अप इन द एयर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग अप इन द एयर, लिखते चलिए मेरे साथ साथ। द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली, द सन इज़ शाइनिंग ब्राइटली। ऑल राइट, द बॉयज आर एक्साइटेड, दे आर वॉचिंग, क्या हो जाएगा, दे आर वॉचिंग, दे आर वॉचिंग, बच्चे क्या देख रहे हैं, बॉयज क्या देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, दे आर वॉचिंग अ हॉरर मूवी, राइट, फिल्म। मदर, एट्थ पार्ट, मदर इज़ इन द किचन, शी इज़ मेकिंग टी, माँ क्या कर रही है, चाय बना रही है। संजय इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, क्योंकि संजय सिंगुलर है तो इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ऑल राइट, देन द लास्ट पार्ट, द डॉग्स आर बर्किंग एट द स्ट्रेंजर, द डॉग्स आर बर्किंग एट द स्ट्रेंजर।
Alright students, I hope exercise 4 is also done. Now moving towards the 5th exercise. Now, put the verb in bracket into the simple present or present continuous. Like, जहाँ पे जो suit करेगा, वहाँ पे हमें वो सा tense use करना है. अब देखिए, look it. It is raining again. क्या हो जाएगा यहाँ पे? Look, it is raining again. देखो, फिर से बारिश हो रही है. It is raining again. It is raining again. Right? उसके बाद I dash the internet nearly every day. क्या हो जाएगा? I use the internet nearly every day. All right. उसके बाद third part देखिए. They dash to car. They have two cars, right? Fourth one, hurry up, your friends are waiting for you. Hurry up, your friends are waiting for you, right? Fifth one, we dash on holiday to Bengaluru every summer. Har summer ja rahe hai na, to ye to simple present ho gaya. We go on holiday to Bengaluru every summer, right? Then the sixth one, the box weighs 9 kilos. ये भी simple present हो जाएगा आपका. Don't disturb Anita. She is doing her homework. She is doing her homework, right? Eighth part, chocolate contains a lot of sugar, right? Your back hurts me. Can you move it? Over 3 million Muslims visit the holy city of Makkah every year, right? तो ये आपकी exercise 5 complete हो गई है. I hope children, सभी बच्चों को exercises समझ में आई होंगी. And what you have to do, you have to complete till here exercise 5 in your books. And in the next class, we will discuss the further topics and further exercises. Thank you students for watching my video. Have a good day everyone.